यू आर वॉचिंग एन बी रिव्यूज़, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। पाकिस्तानी अदाकारा अशना शाह ने कराची में सिर्फ ख्वातीन के लिए पहली गुलाबी बस के इजरा में शिरकत की। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन और शर्मिला फारूकी भी मौजूद थी। आइए सुनते हैं इस अनोखे इकदाम के बारे में अशना शाह का क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम, इट्स सो नाइस टू सी एवरीबॉडी हियर। अभी मैं एक कैंपेन का हिस्सा थी जहां मैं डिस्कस कर रही थी कम्यूट फॉर वुमेन। वो एक मोटरसाइकिल की कैंपेन थी फॉर वुमेन टू राइड मोटरसाइकिल्स। एंड इस कैंपेन पे भी वही बात आती है कि जब औरतों के लिए कम्यूट आसान होती है और सेफ होती है तो ये मुल्क के हर एस्पेक्ट के लिए बेहतर है, खासतौर पर मुल्क की इकॉनमी के लिए। If women feel safe enough to go to school, they'll go to school. To universities, they'll go to universities. If they feel safe enough to work, then that's just excellent for our economy. So I feel like ये छोटा सा step लिया इस party ने, I'm very happy. मैं usually अपने आप को parties के साथ affiliate नहीं करती, but अभी मैं बहुत बहुत खुश हूँ. I'm very happy and I hope कि ये this small step for women is a giant step for all Pakistanis. Inshallah, inshallah. And I would love वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें।